Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन आपकी शादी हम सना से करवा के रहेंगे। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं सना से शादी नहीं करूँगा। वैसे वकार भी बात यह है कि अम्मी का कुछ इरादा बदल गया है। क्या मतलब? देखो, कभी कभी आंखों का देखा सच नहीं होता। मुझे किसी सफाई की भी जरूरत नहीं है और अब मैं फोन बंद कर रही हूँ। अम्मी, आप हमेशा से चाहती थी ना कि मैं अमेरिका वापस ना जाऊं। तो बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आयशा, क्या हुआ बेटा? अम्मी, वो शेजा के अब्बा की डेथ हो गई। ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? जब भी इसकी और वकार की शादी की बात करो, गोलमोल जवाब देकर टाल जाती। बच्ची है अभी, आराम से बात करो। आपकी ना इन्हीं बातों ने इसको शह दे रखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थी तुम? वो मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी, उसके घर पे सेलिब्रेट करने गई थी। बेटा, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करी। जी बोले डैडी। तुम्हारी दादी ने तुम्हारी और वकार की शादी की डेट मांगी है और वो भी जल्दी। लेकिन मैं अभी शादी के लिए मेंटली तौर पर रेडी नहीं। क्या मजाक लगा रखा है तुमने? तुम जानती हो ना कि तुम्हारी दादी सबके बखे उधेड़ देंगी। मैं किसी की वजह से अपनी लाइफ नहीं बर्बाद कर सकती। देखो, तुम्हें आजादी देने का हरगिज ये मकसद नहीं है कि तुम छोटे बड़े की तमीज पूछो। बड़े होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि वो जो चाहे फैसला करें। अच्छा, तुम्हारी माँ शायद ठीक कहती है। हमने तुम्हें ज्यादा प्यार और ज्यादा लाड देकर खुद सर बना दिया। सॉरी डैडी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बेटा देखो, अम्मा जान के फैसलों के आगे तो हम भी बोलने की जरूरत नहीं रखते। फिर तुम्हारी क्या हैसियत है? और वैसे भी हमने तो तुम्हारी रजामंदी जान के ही सब कुछ तय किया। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। कोई वक्त नहीं मिलेगा, बस। अम्मा जान को मैं हां कह चुका हूं। अम्मा, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन हारून की फैमिली बुरा ना मान जाए। अरे दुल्हन क्यों बुरा मानेगा भाई, हारून हमारी औलाद है, जो हम कहेंगे उसको वो करना पड़ेगा। लेकिन अम्मा, हमारी नरगिस तो खुर्रम को अपने छोटे भाइयों की तरह समझती है। दोनों का रुझान भी तो जरूरी है ना। अरे दुल्हन, ये सब कहने की बातें हैं, शादी के बाद खुद ही रुझान बन जाता है। लेकिन अम्मा जान, वो रिश्तेवाली जो इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी, वो तो आपको भी बहुत पसंद था। भाई देखो, अपने फिर अपने ही होते हैं। हारून मेरा सगा बेटा है, गैरों का क्या एतबार। खैर तुम फिकर मत करो, ये बात करने हम खुद हारून के घर जाएंगे। देखती हूँ मैं कैसे ठुकराता है मेरी बात। नहीं अम्मा, हम क्यों जाएंगे? हमें इस मामले में जल्दी नहीं करना चाहिए। हारून आएंगे तो बात कर लेंगे। देखो दुल्हन, बुरा मत मानना, लेकिन तुम अपनी हद में रहो। हमने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, हुकुम सुनाया है तुम्हें। जी अम्मा। है दुल्हन, जिंदगी का कोई एतबार नहीं। मैं चाहती हूँ अपनी जिंदगी में ही वकार और नरगिस को अपने अपने घरों में बसावा देखूं। जी बेहतर अम्मा। देखो, मैं चाहती हूँ कि वकार के बाहर जाने से पहले ये शादी हो जानी चाहिए। अरे फराज मियां, किधर घूमो? कभी नमाज भी पढ़ लिया करो।
कहीं नहीं चाचा, बस अज्जू को ढूंढ रहा हूँ। यार एक बात पूछूं? जी जी पूछे। तुम्हारे साथ भी नहीं जा रही है, पता नहीं कहाँ गायब आजकल। उसने कहाँ जाना है? और यही तो मैं जानना चाह रही हूँ, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, तुम्हारे पास भी नहीं आ रही है। सलाम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। लो जी आ गया। और जहन नसीब, ये सूरज कहाँ से निकला आज? अब्बा और अम्मा में ना यही फर्क होता है। अम्मा बचपन में मुझे कहती थी चांद चांद चांद, और तुम सूरज सूरज। वाह भाई वाह, मेरा लौंडा तो फलसफी बन गया। जब से तू इन लफंगों की सोबत से दूर है ना। चाचा आपने मुझे भी लफंटरों में गिन लिया, बहुत अफसोस हुआ। ओ ना जी ना, तुम तो काउंसलर हो ना इलाके के। एक तो आपके लड़के की हिफाजत करते हैं। हाँ हाँ हिफाजत करते हो, वो भी सारी अच्छाइयों से। अब अब्बा ऐसा भी नहीं है, आपको तो मेरे दोस्त पसंद ही नहीं है। हाँ दोस्त, और जिनके इन जैसे दोस्त हो ना उनको दुश्मन की जरूरत नहीं है। कभी कोई अच्छी बात समझाइए इन्होंने। हाँ हाँ सोच लो, शायद के याद आ जाए। अच्छा अब्बा अब हम चलते हैं, हमें बहुत देर हो रही है। हाँ इसको भी साथ ले जा, और दोनों मिलके सोचो कि कभी कोई अच्छी बात की हो तुमने। रुक, पैसे चाहिए? ये रख ले। अबे ये क्यों? अबे बाप हूं मैं तेरा, तेरा चेहरा बता रही है हेल्प हेल्प। अबे तुम भी ना, ये नहीं सुधरेंगे कभी भी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। लेकिन क्यों, खैरी तो है ना, क्या हुआ? वो चाय बनाई है आपके लिए। चाय? चाय की तो मुझे वैसे भी बड़ी तलब हो रही थी। अच्छा आप जल्दी से लेकर आओ, चले शाबाश उठे। जी अच्छा। और आकर बताओ कि असल बात क्या है। असल बात? भाई पहले चाय लेकर आओ, फिर बात करते हैं। जी बस तैयार है, मैं निकाल कर ला। शाबाश। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। ओके। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मुझे बुलाया। ये बात मत भूलो कि हम आपस में कजन भी हैं और बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और शायद हमारे बीच एक रिश्ता और भी बन रहा है। आज मैंने उसी बात को डिस्कस करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया। देखो वकार, तुम मेरी बात सीरियसली सुनो। ओके तुम बोलो, मैं सुन रहा। मैं अभी शादी के बंधन में नहीं बनना चाहती। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मुझे यकीन है कि तुम इस बात को समझोगे। और इन सब में मेरी हेल्प करोगे। लेकिन क्यों, क्या वजह? देखो वकार, जबरदस्ती के रिश्ते पायदार नहीं हूं। मैं ये चाहती हूं कि तुम इस शादी से इनकार करो। I'm sorry, मैं इनकार नहीं करूंगा। मेरी बात तो सुनो। एटलीस्ट मुझे वजह तो बताओ क्या है। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी या तुम्हें कोई और पसंद? मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे शादी? एटलीस्ट तुम मुझे एक वजह नहीं दे सकती?
मैं अमेरिका से आके यहाँ बैठा हूँ और तुम? ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता चुकी हूँ, अब आगे तुम खुद समझदार हो, तुम खुद इनकार करो। ये लें अब्बा गर्मा गर्म चाय। लाइए बैठो। हाँ तो अब बताओ क्या बात है? कुछ बात नहीं, बल्कि कोई खास बात नहीं। चलो आम सी ही सही, लेकिन बात तो बताओ। ऐसी कौन सी किताब हो सकती है अब्बा जिसको पढ़ते ही बंदा मुश्किल बातें करने लगे और फौरन समझदार हो जाए? भाई दुनिया में ऐसी तो कोई किताब नहीं जिसे पढ़ते ही बंदा फौरन ही समझदार हो जाए। कोई तो होती होगी जो बंदा सुनने वाला सोचने पे मजबूर हो जाए। देखो मेरी बेटी, कोई भी लफ्ज इतने कीमती नहीं होते जब तक हम उन्हें अहमियत ना दें। क्या मतलब? अगर हम अहमियत ना दें तो कोई बात अहम नहीं होती। हाँ ना, इंसान जब महसूस करता है तो चीजों की अहमियत बनती है। जैसे? जैसे कि तुम्हें परेशान देखकर मुझे भी फिक्र होने लगती है। यानी अगर मैं ना हूं? हाँ बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह तुम मेरी जिंदगी के लिए अहम हो, जिस तरह हर बाप के लिए एक बेटी अहम होती है, बिल्कुल उसी तरह तुमसे जुड़ी हुई हर बात अहम है। अच्छा, अगर मैं तवज्जो ना दूं तो किसी किताब में लिखी कोई बात अहम नहीं होगी, यही कहा ना आपने? हाँ कहा तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये मुसलसल तुम किस किताब की बात कर रही हो और किसकी बात कर रही है? ये तो मुझे भी नहीं पता। वालेकुम अस्सलाम, बड़े दिन बाद चक्कर लगाया बेटा। बस थोड़ा सा बिजी था, ये वकार ने थे। और वो खुद कहाँ है? वो किसी दोस्त को छोड़ने के लिए गया। आप बैठिए ना गौरमिया, बैठ भी जाइए अब, वैसे भी आपकी तो दुआ कबूल हो गई है। गौर तुम्हें पता है कि हम वकार की शादी कर रहे हैं? मुझे तो किसी ने बताया नहीं, तो बहुत खुशी की बात है। चलो मैं तुम्हारी अम्मी से कहूंगी कि वो तुम्हारे लिए लड़की देखे, ताकि तुम भी ये खुशी हासिल कर सको। ये तो उनका पसंदीदा टॉपिक है, वैसे भी मेरी शादी के लिए परेशान रहती। तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? जिससे वो मेरी शादी करना चाहती है मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अच्छा मैं शादी करना चाहता हूँ उससे, उनको तरह से। तो बेटा तुम किससे शादी करना चाहते हो मुझे बताओ, मैं उस लड़की के घर वालों से बात करूंगी। है एक पागल सी मगरू सी लड़की। तो ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहिए ना बेटा? नहीं आंटी, शादी तो मैं उसी से करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो सारी जिंदगी बैठा रहूंगा। शादी खुर्रम से तय कर रहे हैं ये लोग। ये क्या कह रही हो आशा, तुमने खुद सुना है? जी आपी, मैंने अपने कानों से सुना है। ये सब क्या हो रहा है, एक के बाद एक आजमाइश, मेरी तो बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है आशा ये सब। देखिए आपी, मैं छोटी हूँ लेकिन गलती मांस खाला और निगत की है, तो उनकी गलती की सजा गौरमिया को क्यों दे रही हैं?
मुझे कुछ नहीं पता। दिन ब दिन मेरा दिमाग माउफ होता जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखिए आप ही गौहर मियां भी अभी बहुत डिस्टर्ब है और इस वक्त आपको उनके मशवरे की बहुत शदीद जरूरत है। प्लीज उनसे बात कर ले। आशा मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं कैसे बात करूं उनसे? आपी आप दोनों तो बचपन के दोस्त हैं ना, तो इतनी हिचकिचाहट क्यों कर रही हैं आप? प्लीज उनसे बात कर ले। लेकिन अम्मी मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं है। तो बेटा नहीं सोचा तो अब सोच लो। लेकिन एक बात है, गौहर मियां हीरा है हीरा। तुम्हें कैसे लगते हैं? अच्छे तो हैं, बल्कि बहुत अच्छे हैं। देखो ना, पहली बात तो यह है कि गौहर मियां इकलौते बेटे हैं, कोई नंद और देवर का झंझट भी नहीं है। भाई अलमास मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसे मैं नाराज नहीं कर सकती। मामी मुझे कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन गौहर का रजामंद होना भी तो जरूरी है। बेटा तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग देख के तो नहीं लगता कि गौहर मियां को कोई एतराज होगा तुमसे शादी करने? लो बताओ, मैं तुम्हारे कपड़े निकालने जा रही थी और बिल्कुल ही भूल गई, तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए? बस अभी अभी, आप तो सोच रहे थे। नहीं कुछ खास नहीं, मुझे आपसे कुछ कहना था। आए बैठे। इत्तेफाक की बात है, आपको भी मुझसे कुछ कहना है, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। ये तो कमाल हो गया, हम लोग एक ही वक्त में एक जैसा सोच रहे थे। जाहिर है इतने दिनों से हम साथ हैं और आप तो मेरी मौसम में। अरे आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं तो ये सब कुछ अपनी खुशी की खातिर कर रही हूँ। क्या मतलब, कैसी खुशी? आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे, बोलिए। नहीं पहले आप बोलिए। नहीं पहले आप बताइए। मुझे आपसे नरगिस के बारे में बात करनी है। कुछ बातें अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती। क्या आप नरगिस से मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत एक बहुत छोटा सा लफ्ज़। क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ निकट? वो डैडी निकट, हम चाह रहे थे कि हमारे गौहर मियाँ की मंगनी हो जाए। अपने गौहर की मंगनी का किससे कर रही हो? दरअसल हकीकत तो ये है कि जब माया डूबने की खबर सुनी तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया।